आज गृहस्थों के घरों में भी हालत यह है कि उनकी रसोई पवित्र नहीं है, चप्पल पहन के भोजन बन रहा है। क्या करें साहब, पढ़े लिखे लोग हैं, बोले चप्पल पहन के। अच्छा चप्पल तो चप्पल है, चाहे सोने की बना लो, रसोई घर में चप्पल पहन के जाना सर्वथा अनुचित है, वर्जित है। अब आप कहेंगे महाराज जी ठंडी इतनी होती है, ठंडियों में पहनना पड़ता है। अरे कपड़ा का कुछ पहन लो, लकड़ी का खड़ा हूं पहन लो, फर्श में ऐसा कुछ बिछा लो, लगा लो, जिससे कि आपका पैर ठंडा ना हो। लेकिन रसोई घर अत्यंत पवित्र रहना चाहिए, वहां चप्पल जूता पहनकर नहीं जाना चाहिए, वहां पवित्रता बनी रहनी चाहिए। और एक बात आपसे कहें, किसी के घर को देखना समझना है ना कि इसका रहन सहन कैसा है, इसके गृहस्थी कैसी है, तो उसके घर का मंदिर मत देखो, उसके घर का पूजा घर मत देखो, बल्कि उसके घर का रसोई घर देखो कि इसके रसोई घर में स्थिति क्या है। झूठा पड़ा है, बर्तन बिखरे पड़े हैं, झूठे पड़े हैं तमाम सब्जी के छिलके, ये वो, समझ में आ जाएगा कितना चतुर है, है? कोई कोई की रसोई घर में आप जाइए तो लगेगा कि क्या सुंदर। रसोई घर को सजा के रखिए, सुंदर रखिए, पवित्र रखिए। सबसे बड़ी बात है पवित्रता, झूठा मुंह ना जाए, झूठा बर्तन ना जाए। तो आज जो है झूठे मीठे का विचार नहीं रहा, अब तो एक और परंपरा चल पड़ी है, वो जन्मोत्सव वगैरह लोग मनाते हैं ना, बर्थडे केक काटेंगे तो पहले तो फूंक के मोमबत्ती बुझाएंगे, अब फूंकेंगे तो तमाम थूक उस पर पहले ही चला गया, झूठा हो गया कि नहीं। हमारे यहां संतों में देखो, यहां सब संत विराजमान है, संतों में कहावत है कि जिस वस्तु को फूंक दिया जाता है वो अपवित्र मान झूठी मानी जाती है। दूध को फूंका नहीं जाता, अग्नि को फूंका नहीं जाता, पूजा की अग्नि हवन की अग्नि फूंका नहीं जाता, क्यों? बोले झूठा हो जाए, थूक चला जाएगा। अब वो केक रख रखा है उसके ऊपर मोमबत्ती, उसको फूंक मार मार के बुझा रहे हैं, तो पहले झूठा हो गया, चलो वो भी ठीक है। फिर इसको चटाएंगे, फिर उसी में से उसको चटाएंगे, फिर उसी में से उसको चटाएंगे, तो पता नहीं क्या उठपटांग करते हैं, सब झूठा कर दिया कि नहीं। सबको एक दूसरे अच्छा, वो ना खाए वो गलत, बोले तुम खाते नहीं, जो खाए वो अच्छा ज्ञानी है।